जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में बने व अर्धबने शस्त्र बरामद करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक संभल यमुना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल निर्देशन तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने मई पुलिस टीम के चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर संभल रोड पर मित्तल के खेत में बंद पड़ी मेंथा फैक्ट्री के पास बने कमरे में अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए दो अभियुक्तों शकील व सत्यवीर को गिरफ्तार किया। अभियुक्त शकील बिलारी कोतवाली क्षेत्र से 128 एकड़ प्रचलित दुराचारी है। पकड़े गए अभियुक्तों से 11 बने व 3 अर्ध बने कुल 14 अवैध शस्त्र 10 जिंदा कारतूस तथा हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। इस दिशा में पुलिस क्षेत्र अधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि चंदोसी कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी ने छापा मारकर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे इन हथियारों को बंदूक को 12,315 बोर के तमंचे को 6,000 व 12 बोर के तमंचों को 4,500 रुपए में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। आज 15 तारीख को 15/9/2020 को SHO देवेंद्र कुमार शर्मा चेकिंग में थे। इसी दौरान इनको सूचना मिली कि कुछ लोग चंदौसी संभल रोड पे एक मित्तल जी का कोई खेत है, वहाँ पे मेंथा फैक्ट्री का बनाने की फैक्ट्री थी जो अभी समय बंद है, उस कमरे में कुछ लोग वहाँ पे असलहे का निर्माण करा रहे हैं। इस सूचना पर अपनी पूरी टीम के साथ जाके घेराबंदी किए। वहाँ पे जब इन्होंने छापा मारा तो वहाँ पे जो व्यक्ति नाजायज असलहा बनाने का काम कर रहे थे, जिनके पास से कुल मिला के अजबने और बने मिला के 13 असलहे बरामद हुए हैं और कुछ कारतूस भी मिले हैं। जब इन्होंने उनका नाम पूछा तो एक ने अपना नाम शकील बताया और दूसरे का नाम सत्यवीर है। शकील के ऊपर भी विभिन्न थानों में अलग अलग करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं। इनको ये जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साहब हम लोग अपने एक आर्थिक लाभ के लिए ये काम कर रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव में या उसके पहले भी जिनको आवश्यकता होती है हम उनको बेच देते हैं, जिससे हमको कुछ पैसा मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग को कोई डर नहीं है, क्योंकि ये एकांत में जंगल में ये खेत कमरा बना हुआ था, इसीलिए हम लोग काम यहाँ कर रहे थे और बना बना के सप्लाई कर रहे हैं। अब इनको टीम द्वारा पकड़ लिया गया है। पकड़ने के बाद इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है।